so students all the physical quantities that we can measure are divided in two parts you can say one is scalar quantities so scalar quantities are just like your distance time speed mass temperature And so on. Now, vector quantities are displacement, velocity, acceleration, force, and so on. If you want to write more, you can write momentum and so on. Okay, so these are few examples. Now, see, students, what is the title for chapter? Let us first of all always keep in mind what you are studying. You are studying chapter three. What is the title of the chapter? Tell me. Motion, yes. Students, have you seen Metro? Metro train, you, you have? Yes, sir. yes. yes. Sir. So assume that these are the two stations. Or this metro line. So this train it can move in this way, driver can sit here also, driver can sit here also. So it, it can move both ways, right? And it can move only on the rail. So this side, this side, this side, this side, this side, this side. So that's the only thing that we are going to study in this chapter. First of all, try to understand this thing. Okay, so we are studying motion in a straight line. So if you are standing here at this point A, where can you move? Can you move in this direction? No, because I am moving only along the motion in a straight line, so that is along the x axis. You can move this way also that's also one of the ways but you cannot move like in this direction sir and then in this direction and then in this direction and then in this and then in this, and then in this no okay so you can move only in one dot only along a straight line so a straight line either you can like here you can if this is a straight line either you can move towards the right or you can move towards the और क्या हो सकता आप यहां से चले राइट गए फिर वहां से चले फिर लेफ्ट गए यहां आकर रुक गए इज दिस क्लियर यहीं घूमते रहना आपको इसी लाइन के ऊपर अगर आपकी लाइन ये है तो यहीं घूमते रहो बस इसी के ऊपर और कहीं नहीं जा सकते आप ये लाइन है तो यही घूमते रहो इसी के ऊपर और कहीं नहीं जा सकते आप इज दिस क्लियर तो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दिस थिंग तो इसीलिए जो भी फॉर्मूलेस होंगे जो भी डेफिनेशन होंगी सभी कुछ इसी के अकॉर्डिंग होगा मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन चलिए नाउ स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले आपने नंबर लाइन स्टडी की थी नंबर नंबर लाइंस पर नंबर कैसे ड्रॉ करते हैं ये होता है आपका जीरो राइट और जीरो से वन यूनिट इधर मूव करते हैं तो वन देन टू देन थ्री और इस तरह मूव करते हैं तो टर्ड्स द लेफ्ट वन यूनिट मूव किया माइनस वन माइनस टू सिंपल एक्स एक्सिस है बेटा बिल्कुल सिंपल उसके बाद तो आपने वाई एक्सिस भी पढ़ा कि अगर अपवर्ड मूव करते तो वन यूनिट टू यूनिट थ्री यूनिट और नीचे माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री तो नेगेटिव वाई एक्सिस ये पॉजिटिव वाई और ये नेगेटिव एक्स सबको पता इसका चलिए तो स्टूडेंट्स हम जो है सिंपल लेफ्ट एंड राइट मूव करेंगे बहुत सिंपल एग्जांपल ओके अब हम ये हमारी पोजीशन है ए ओके okay? और यहां ये फोर है ये है हमारी पोजिशन बी ओके और ये है एक पॉइंट सी चलिए अब आप मूव किया आपने ए टू बी ठीक है फर्स्ट केस आपने मूव किया ए से बी चलो इसको दोबारा बना लो ए से बी ये मूव किया आपने ये था आपका ए और ये था बी तो ये जो आपकी जो पोजिशन है स्टूडेंट्स इसको हम लिखेंगे पहले थे आप फर्स्ट पोजिशन जो थी आपकी पहले क्या थी एक्स वन इज इक्वल टू वन अब आपकी पोजिशन क्या है फाइनल पोजिशन एक्स टू इक्वल टू ये प्लस वन थी ना सारे प्लस है ना एक्स टू क्या है प्लस फोर ओके तो एक्स वन था आपका आपकी पोजीशन एक्स क्या है पोजीशन वो पोजीशन राइट में भी हो सकती है लेफ्ट में भी हो सकती है अगर राइट की तरफ है ये ओरिजिन है ये ओ जो है जीरो बोल दो जीरो को हम ओरिजिन बोल सकते हैं हम सारे डिस्टेंस ओरिजिन से मेजर करेंगे चलिए तो ये आपकी जो पोजीशन है स्टूडेंट ये क्या है यहां पर प्लस वन और यहां एक्स वन इसको हम लिखेंगे एक्स वन इक्वल टू प्लस वन और यहां जो पोजिशन आपकी एक्स टू इक्वल टू यह क्या हो गई इस पॉइंट पे प्लस पुण। प्लस पुण। तो ये आपकी पोजिशन है ये आपकी एक्स टू पोजिशन है आप और ये आपकी एक्स वन पोजिशन तो आप x1 से x2 गए हैं ठीक है तो जहां से शुरू किया वहां से वन नंबर दोगे उसके बाद फिर टू नंबर दोगे चलो अब डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा अब जो डिस्टेंस है वो तो स्टूडेंट सिंपल इक्वल्स टू पाथ लेंथ है क्या है पाथ path की लेंथ है लेंथ हमेशा जो है पॉजिटिव होती है आपको पता है किसी भी चीज की आप मैंने पूछा आपसे लेंथ क्या है मैंने पूछा आपसे पेन की लेंथ क्या है मैंने पूछा आपसे पेंसिल की लेंथ क्या है मैंने पूछा आपसे इरेजर की लेंथ क्या है मैंने आपसे पूछा नोटबुक की लेंथ क्या नॉर्मली तो पेन पेंसिल इन्हीं चीजों की है हालांकि रेक्टेंगल की भी लेंथ और ब्रेथ होती है तो लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है तो पाथ लेंथ पाथ लेंथ क्या है ए बी है क्या है ए बी या बी ए लिख लो ए की मतलब है दोनों का तो कितनी स्टूडेंट ये पाथ लेंथ ए और बी के बीच में डिस, डिस्टेंस कितना है बताइए मुझे बोलो बेटा प्लस थ्री जब हम पाथ बोल लेंगे तो प्लस माइनस नहीं बोल लेंगे क्यों क्योंकि हमेशा ये प्लस ही होगा बहुत अच्छा आंसर था आपका प्लस थ्री बिल्कुल ठीक है बेटा बिल्कुल ठीक है लेकिन हमें प्लस लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है बात आ गई समझ में yes, तो इसीलिए हम बिना प्लस के साइन के लिखेंगे हम प्लस का साइन नहीं लिखेंगे ठीक है चलिए अब डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट है चेंज इन पोजीशन क्या होता है डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजीशन ये समझे आप इस बात को पोजीशन चेंज होना तो स्टूडेंट्स अब जो ये वर्ड है चेंज इन ये आप नई बात सीख रहे हैं इलेवेंथ क्लास की ये पहली नई बात है अब तक आप जो भी कुछ मैंने लिखा है ये स्केलर ये वेक्टर ये भी आपके लिए नया ही है क्योंकि ये नाइन्थ में नहीं पढ़ा था लेकिन ये स्केलर क्वांटिटी है डिस्टेंस और ये वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट लेकिन अब आप नई चीज पढ़ेंगे जो चेंज इन है उसके लिए हम बार बार वर्ड लिखे चेंज इन चेंज इन चेंज इन इसके लिए हमने एक सिंबल बना दिया डेल्टा क्या बना दिया एक सिंबल डेल्टा तो बार बार चेंज इन नहीं लिखना चाहता मैं ओके और जो पोजीशन है उसको मैं डिनोट करता हूं किससे एक्स से किससे सो आई हैव रिटर्न दिस चेंज इन पोजिशन एज डेल्टा एक्स आपको क्या पसंद है चेंज इन पोजिशन पूरा लिखना पसंद है या सिर्फ डेल्टा एक्स लिखना डेल्टा एक्स बस ये फिजिक्स की लैंग्वेज है आप एक नई लैंग्वेज सीख रहे हैं जो जो और ज्यादा इजी है बहुत बहुत शॉर्ट में हम अपनी बात कैसे कह सकते हैं ठीक है जिससे कम लिखना पड़े चलिए तो डेल्टा ये एक सिंबल है डेल्टा जैसे आपके सिंबल होते हैं अल्फा बीटा गामा थीटा ओके उसी तरीके का ये भी एक सिंबल है डेल्टा ओके तो चेंज इन के लिए लगा दिया मैंने डेल्टा और पोजिशन के लिए मेरा है एक्स अब उसके बाद चेंज इन पोजिशन आपकी पोजिशन क्या चेंज हुई ये आप बताओ क्या चेंज हुआ आपकी पोजिशन ए टू बी ए टू बी बिल्कुल ठीक है आप कहां पहुंच गए बिल्कुल ठीक है आप एक बात लाइफ में याद रखो आप सुबह यू आर गेटिंग रेडी टू गो समवेयर और आप अपने डेस्टिनेशन में सपोज यू रीच स्कूल सो यू रीच स्कूल यू स्टार्टेड फ्रॉम होम एंड यू कम टू स्कूल एंड यू रीच स्कूल तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या चीज थी जब आप मूव कर रहे थे स्कूल ज्यादा इंपॉर्टेंट था या घर कहा क्या चीज आपके दिमाग में चल रही थी घर चल रहा था या स्कूल चल रहा था स्कूल चल रहा था तो ऑब्वियसली चेंज इन पोजिशन की जब बात है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है जहां हमें पहुंचना है फाइनल पोजिशन ठीक है माइनस कहां से चेंज कहा आया कहां से जहां से हम चले थे तो जब भी आप ये डेल्टा लिखेंगे डेल्टा का मतलब हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है डेल्टा का मतलब हमेशा क्या होता है हाँ ये हमेशा के लिए आप समझ लो पूरे फिजिक्स में जहां भी डेल्टा आएगा हो सकता है यहां डेल्टा एक्स है अब आपका अगर आ गया डेल्टा टी तो उसका मतलब क्या होगा फाइनल टाइम टी टू माइनस इनिशियल टाइम टी वन तो डेल्टा का मीनिंग वही रहेगा स्टूडेंट्स ये बात समझ में आ गई सबको तो अब आप मुझे बताइए x2 जो आपकी पोजीशन है वो क्या है x2 टू इक्वल्स टूर प्लस फोर बोलेंगे क्योंकि पोजीशन पूछ रहा हूं मैं अगर आपने फोर के साथ आपको बताना पड़ेगा कि राइट की तरफ ओरिजिन से या लेफ्ट की तरफ डिस्टेंस में आपको नहीं बताना था कि किस तरफ डिस्टेंस में आपने बता दिया थ्री मीटर्स बस खत्म ओके okay, तो थ्री मीटर्स लिखना है स्टूडेंट्स चलिए यहां बताएंगे तो प्लस फोर माइनस एक्स वन इनिशियल पोजिशन क्या थी आपकी प्लस वन प्लस वन ये लिख दो तो क्या आ गया आपका फोर माइनस वन ठीक है तो क्या आ गया थ्री मीटर्स अब अगर आपने डिस्प्लेसमेंट लिख दी थ्री मीटर्स तो ये इनकंप्लीट आंसर है स्टूडेंट्स क्यों क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो वैक्टर क्वांटिटीज होती हैं इसमें आपको जब आप वैक्टर क्वांटिटी लिखेंगे तो आपको मैग्नीट्यूड लिखना है एंड डायरेक्शन भी लिखनी है दोनों चीजें लिखनी पड़ेंगी आपको स्केलर्स में सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखते हैं जैसे डिस्टेंस था तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा थ्री मीटर किस तरफ है राइट में लेफ्ट में कोई मतलब नहीं उससे यहां बताओ यह किस तरफ है थ्री मीटर्स ए से आपने ए से आप राइट की तरफ हैं या लेफ्ट की तरफ है किस तरफ किस तरफ आपकी पोजीशन चेंज हुई आपकी पोजीशन जो चेंज हुई वो राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ तर राइट की तरफ तो राइट की तरफ पॉजिटिव तो आप यहां भी इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस फोर माइनस वन प्लस थ्री आएगा तो स्टूडेंट्स यहां मैंने इसीलिए कहा था कि प्लस मत लगाना क्यों क्योंकि जो प्लस है वो हम डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं प्लस और माइनस फाइनल आंसर में तो ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड और ये हो गया आपकी डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन तो ये डायरेक्शन आपकी पॉजिटिव है ओके okay? स्टूडेंट्स नाउ आपने मूव किया मूव ए टू बी एंड देन टू सी तो स्टार्ट कहां से हुए ए से है ना स्टार्ट कहां से हुए आप और कहा जाकर रुके आप एट सी बी पे नहीं रुके चलते ही रहे सी पे जाकर रुके आपकी बात ठीक है बी पे थोड़ी देर के लिए रुके थे क्योंकि टर्न लिया था आपने ए से आप बी गए और यहां से टर्न लिया तो ऑब्वियसली आपको रुकना तो पड़ेगा एकदम से फिर आप पीछे मुड़कर और फिर आप यहां से यहां पहुंच गए बिल्कुल ठीक है तो आप ए से बी गए और फिर बी से कहां गए सी। तो आप बताइए कितना ट्रेवल किया आपने पहले कहां गए डिस्टेंस का मतलब है पाथ लेंथ क्या डिस्टेंस का मतलब पाथ लेंद। पाथ लेंद। तो जैसे जैसे आप चले हो उसको आपका मीटर बंद नहीं होगा यहीं से मीटर शुरू हो गया आपका चल, कर, करते रहो मीटर चल रहा आपका चल रहा 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 चल, रहा, चल और यहाँ के मीटर बंद हो गया समझ रहे हैं जो डिस्टेंस मेजर करने वाला जो मीटर है जो कार में होता है क्या बोलते हैं उसको मीटर सर कार में दो मीटर होते हैं एक तो आपने बताया स्पीडोमीटर जो कि स्पीड बताता है ये ऐसे जो है ये सुई होती है और इस पर लिखा होता है जीरो टेन ट्वेंटी सिक्सटी एटी हंड्रेड वन ट्वेंटी है ना और एक एक और होता है बेटे जो ऐसे ऐसे डिजिट्स होती हैं जिनमें डिजिट्स घूमती रहती है ये ऐसे, एक मीटर ये भी होता है, है ना इसमें जीरो 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 वन टू थ्री किलोमीटर और या अगला फिर आप जब एक और मूव कर दोगे यहां थ्री से आगे आ जाएगा फोर तो इसको क्या बोलते हैं ओडोमीटर बोलते हैं क्या बोलते हैं हाँ बेटा याद आया कुछ पढ़ा आपसे पहले आ गया आ रोडोमीटर वेरी गुड तो ये आपका ऑडोमीटर जो कि डिस्टेंस ट्रेवल के लिए मेजर किया जाता है किस लिए किसके लिए डिस्टेंस ट्रेवल हा हाँ, तो ये है डिस्टेंस ट्रेवल्ड और स्टूडेंट्स ये स्पीडोमीटर ये किसके लिए होता है स्पीड के लिए तो दोनों की दोनों स्केलर क्वांटिटीज को बताने के लिए होता है किसके लिए स्पीड और डिस्टेंस दोनों स्केलर है क्लियर okay? स्टूडेंट्स yeah. तो आप जब एक बात बताइए यहां से चलते हैं ए से जब आप डिस्टेंस मेजर करते हैं तो ए से बी तक गए तो ये ये चलता रहेगा ना मीटर आपका आगे आप मर्जी जाते रहो उसे इस बात से मतलब है कि आप राइट right में जा रहे हो या लेफ्ट में जा रहे हो कहां जा रहे हो कहा जा रहे हो क्या स्पीडोमीटर को मतलब है इस बात से अ, क्या ओडोमीटर उसको मतलब है इस बात से हम्म hmm. ओडोमीटर को इस बात से मतलब है कि आप घर से स्कूल जा रहे हैं स्कूल से घर जा रहे हैं घर से मार्केट जा रहे हैं मार्केट से स्कूल जा रहे हैं कहां से कहां जा रहे हैं किस डायरेक्शन में मूव कर रहे क्या ओडोमीटर को कोई लेना देना है डायरेक्शन से उसका काम तो मीटर तो चाल मीटर विल कीप ऑन रीडिंग द डिस्टेंस डेट यू आर ट्रेवलिंग इेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन ओके सो टेल मी वॉट ओडोमीटर विल टेल यू पाथ लेंथ ए बी प्लस बी सी यस ए टू बी एंड देन बी टू C. Is this clear to everyone? So what is the total distance traveled? Total path length. Yes. This A to B. How much? Three meters. बेटा बोलते रहो सीखोगे तो तभी ना क्या problem है इसमें भी हाँ और फोर से बी से आप सी पे गए हैं तो ये डिस्टेंस कितना है सिक्स थ्री प्लस सिक्स मैंने बताया था डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है पाथ काउंट कर रहे हैं कहा मूव कर रहे हैं कहां मूव नहीं कर रहे कोई कंसर्न नहीं है स्टूडेंट्स के तो सीधा सीधा आ गया नाइन मीटर नाउ लेट अस टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है चेंज इन पोजीशन क्या है इसकी डेफिनेशन देखो इसकी डेफिनेशन थी पाथ की लेंथ बताओ जो पाथ जहां गए उस पाथ पर पाथ की लेंथ और इसका पोजीशन यानी कि इसको पाथ से कोई लेना देना ही नहीं है स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट का पाथ से कोई लेना देना ही नहीं है ये तो कह रहा है कि भाई पोजीशन बताओ बस बात खत्म करो कहां से शुरू है पोजिशन क्या चेंज करी आपने कहा से स्टार्ट किया आपने कहा से स्टार्ट किया हमने ए से ए की पोजिशन क्या थी बोलो बेटा प्लस वन ये कह रहा है चेंज इन पोजिशन तो इसको एक ही बात से मतलब है बस स्टार्टिंग और एंड स्टार्ट पॉइंट क्या है स्टार्टिंग पॉइंट क्या है एंडिंग पॉइंट क्या है बस ये बताओ बा, बाकी बातें मुझे नहीं पूछनी आप किधर से गए कहां से गए हमें कोई मतलब नहीं है मुझे मुझे सिर्फ ये बता दो कि पोजीशन कैस क्या चेंज हुई स्टार्ट कहां से किया आपने एक्स वन से एंड कहां से किया आपने एक्स टू से बस मुझे इससे मतलब है मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि आप किस रस्ते से गए कैसे गए कैसे नहीं गए मुझे पाथ से कोई लेना देना नहीं है बात समझ आ रही है तो स्टार्टिंग पॉइंट बताओ क्या था बेटा आपका ए से बी ये स्टार्टिंग पॉइंट है ए और कहा गए सी तो ए जो है ये है आपका ए ए कहां है आपका ये और सी कहां आपका ये तो ए जो है उसकी पोजीशन क्या है ए किस पोजीशन पर है नंबर लाइन पे प्लस वन पे तो एक्स वन आपका प्लस वन हो गया और सी किस पोजीशन पे है नंबर लाइन पे अरे बोलो ना बेटा तो बस दोनों पोजिशन ये आपकी स्टार्ट और ये आपका फिनिश एंड जर्नी एंड हो गई आपकी यहां से स्टार्ट हुई जर्नी यहां एंड हो गई अब आप कहाँ बी पे गए या ए से सीधा सी पे गए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका आंसर ए की आएगा चाहे ए टू बी टू सी जाओ या फिर तो डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगी चाहे आप ए से बी जाओ और फिर सी जाओ या फिर और ए से सी दस सी जाओ आंसर सेम आएगा ओके okay, स्टूडेंट्स तो बताओ मुझे स्टार्टिंग पॉइंट एक्स वन क्या था आपका प्लस वन प्लस वन मीटर और एक्स टू क्या था माइनस टू मीटर तो चेंज इन पोजिशन डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया आपका एक्स टू माइनस एक्स वन क्या आया हाँ बेटा बात समझ में आ रही है तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू तो एक्स टू क्या आपका माइनस टू माइनस प्लस वन तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया आपका इसका मतलब आप अपने स्टार्टिंग पॉइंट से ये जो आप देख रहे हैं नेगेटिव ये डायरेक्शन है आपकी और जो ये प्लस थ्री मीटर है ये ये मैग्नीट्यूड है तो इसका मतलब क्या हुआ आप यहां पर थे स्टार्टिंग पॉइंट पर और आपकी पोजीशन में क्या चेंज आया आपकी पोजीशन में चेंज आया थ्री मीटर किस तरफ किस डायरेक्शन में चेंज आया थ्री मीटर इस डायरेक्शन तो आप थ्री मीटर यहां पहुंच गए तो डायरेक्शन बता दिया आपने इस डायरेक्शन में और कितना थ्री मीटर तो ये नेगेटिव डायरेक्शन है नेगेटिव एक्स एक्सेस तो नेगेटिव एक्स एक्सेस की तरफ आप अपने स्टार्टिंग पॉइंट से तीन मीटर आपने मूव किया है यस स्टूडेंट्स इज दिस क्लियर और नॉट किस किस को क्लियर हो गया हैंड करके बताओ <laughs> दो बच्चों को क्लियर हुआ तीन को क्लियर हो गया चार को बाकी ऋषि आपको क्लियर हुआ नहीं हुआ दीपक <laughs> हैंड रेज करो ना बेटा फिर हैंड रेज करके बताओ ऐसे नहीं है हैंड रेज करना सीखो करो ना ऋषि दीपक वेदांत आपने हैंड रेज नहीं किया अब तक तो गो 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 गो। बाकी बच्चे बताओ ऑप्शन कहाँ होता है हैंड इसको करो ना तो ऋषि आप बताओ बेटे कहाँ ऑप्शन हो नहीं होगा ऑप्शन तो पक्का होगा बेटे

मिला ऋषि दीपक वेदांत करुणा हैंड्रेस का ऑप्शन मिला बेटा नो सर मेरे फोन में नहीं है सर साइड में सर शायद इनका पुराना सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद आता है ये ऑप्शन ओके चलो, चलो।, चलो। okay. कोई बात नहीं चलो कोई बात नहीं नहीं है तो चलो छोड़ आप वैसे बता दो समझ आई ये बात अब तक जो पढ़ाया है या समझ नहीं आया बस ये बताओ मुझे यस चलो आगे चले अब अगले कंसेप्ट पे yes, चलो नोट नोट कर लिया ना सब कुछ आपने वेरी गुड बेटा वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत अच्छे बच्चे हैं अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज स्पीड एंड वेलोसिटी सबको डिस्टेंस निकालना आ गया अब हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं। सर आपने सिर्फ स्पीड क्यों नहीं बोला आपने एवरेज स्पीड क्यों बोला जो आपका स्पीडोमीटर है आप जब बात करते हैं जब आप पीछे बैठे हैं तो पापा से पूछते पापा स्पीड कितनी है पूछते नहीं पूछते कि पापा सिक्सटी की स्पीड पे चलाओ अरे क्या ये लाइन बोलते हैं नहीं बोलते पूछते हैं ना गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है सेवेंटी की स्पीड से अरे यस और नो बोलो ना बेटे तो जब आप बोलते गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है तो उस समय की बात करते हैं आप दो मिनट बाद पूछना मैंने पूछा सात बज के दस मिनट से कि कितनी स्पीड से गाड़ी चल रही है तो आंसर मिला सिक्सटी किलोमीटर पर आवर क्योंकि मीटर में सिक्सटी था फिर पूछा सात बज के ग्यारह मिनट में कितनी स्पीड से चल रही है ओह ब्रेककर आ गया था स्पीड कम हो गई फिर दोबारा से स्पीड बढ़ाई है अभी थर्टी पे ही पहुंचे फिर मैंने पूछा सात बज के बारह मिनट पे अब स्पीड कितनी चल रही है सत्तर चल रही है फिर पूछा स्पीड कितनी चल रही है सात बज के तेरह मिनट पे स्पीड हो गई फिर से वापस आगे कोई बच्चा आ गया ब्रेक लगाने पड़ गए स्पीड फिर से कम हो गई तो ये है अपनी स्पीड आप देखते हैं ये सुई एक जगह नहीं रहती है, आगे पीछे मूव करती रहती है जैसे ब्रेक लगाया एक्सलेट किया बेटे यस नो बोलते रहो देखो तभी बात बनेगी ऐसे नहीं Yes, तो इसीलिए बेटे इस स्पीड का नाम होता है जो सिर्फ स्पीड वर्ड बोलते हैं उसका नाम होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है पता लग गया ना तो जो आपका स्पीडोमीटर है वो कौन सी स्पीड बताता है अगर सिर्फ स्पीड तो मतलब तो वर्ड आप बोल रहे हैं सिर्फ स्पीड तो उसका मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है सिर्फ स्पीड का मतलब क्या होता है अब आप मुझे बताइए आप अपने घर से चले और आप स्कूल पहुंच गए ठीक है आपका जो स्कूल है वो सपोज टेन किलोमीटर है किलोमीटर तो ज्यादा हो गया सपोज थ्री किलोमीटर है और आपको टाइम लगे टेन मिनट्स लगा ठीक है तो आप मैंने आपसे पूछा बेटा आप किस स्पीड से स्कूल आए मेरा क्वेश्चन क्या था आपसे तो आप मुझे क्या बताते चलोगे सर बीच में सिक्सटी हुई थी सर फिर थर्टी हुई सर फिर फोर्टी हुई सर नहीं फिफ्टी हुई नहीं सर थर्टी हुई नहीं सर टेन हुई नहीं सर ट्वेंटी हुई आप ऐसे बताओगे क्या आंसर मुझे आप यहां कौन सी स्पीड बताओगे मुझे एवरेज स्पीड तो आप मुझे बताओगे सर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ये बताओगे मुझे तो यहाँ टोटल डिस्टेंस कितना था स्टूडेंट्स आपका किलोमीटर इसको लिख सकते हो आप थ्री थाउजेंड मीटर डिवाइडेड बाय टेन मिनट्स टेन मिनट्स का मतलब कितने सेकंड होंगे टेन मल्टीप्लाई सिक्सटी सेकेंड तो स्टूडेंट्स कितना आंसर आ गया आपकी स्पीड कितनी आ गई बताना मुझे फाइव मीटर पर सेकेंड तो क्या आई बेटा ये speed. और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या थी आपकी एक पर्टिकुलर टाइम पर जो स्पीड थी है ना So this was your instantaneous speed. Difference, understand? I asked both of Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. No, sir. तो बेटे एवरेज स्पीड अब आप समझ में आ गई कि एवरेज स्पीड का यूज कहां होता है और इंस्टेंटेनियस स्पीड या सिर्फ स्पीड का यूज कहां होता है ओके okay? अब इसका फॉर्मूला तो आपको पता लग गया एवरेज स्पीड का भाई टोटल डिस्टेंस और टोटल और टोटल डिस्टेंस का मतलब क्या होता है टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम टेकन कितना टाइम लगा यस और नो सर यस सर अच्छा आप मुझे एक बात बताओ ये हमने ऊपर क्वेश्चन किया था सबके पास नोटबुक है ना ये क्वेश्चन हमने किया था ना तो इसमें जब हम एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे थे यानी कि हमने बैकवर्ड मूव नहीं किया था सिर्फ हमने ए से बी मूव किया था यानी कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन मूव किया था तो हमारा जो डिस्टेंस था डिस्प्लेसमेंट नहीं डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सिर्फ कंपेयर आप किसको कर सकते हो डिस्टेंस को किससे कंपेयर कर सकते हो डिस्प्लेसमेंट से नहीं कर सकते डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से कर सकते हो क्यों क्योंकि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड का कंपैरिजन मैग्नीट्यूड से ही होगा ना बेटा yes, तो हम क्या बोल सकते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस इज इक्वल टूट्लेसमेंट हाँ ये बात आपको याद रखनी है क्योंकि जो वैक्टर क्वान्टिटी है उसको आप डायरेक्ट स्केलर के से कंपेयर नहीं कर सकते वैक्टर के मैग्नीट्यूड को स्केलर से कंपेयर कर सकते तो डिस्टेंस इज इक्वल टू मैग्निट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कब होगा बताओ वेन वी मूव इन वन डायरेक्शन ओनली जब ए की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं हम तो पाथ लेंथ भी वही है और चेंज इन पोजिशन भी वही है मतलब चेंज इन पोजिशन इज सॉरी मैग्निट्यूड ऑफ चेंज इन पोजिशन वही है तो स्टूडेंट जब हम एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं तो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड दोनों क्या होते हैं सेम अच्छा आप एक बात बताओ मुझे मैं मैं जीरो से सी मूव किया मैंने जीरो टू या ओ ओ से सी तो बताना डिस्टेंस कितना हो गया पाथ लेंथ कितनी हुई पाथ लेंथ बेटा जीरो से सी जीरो से सी माइनस टू नहीं 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 डिस्टेंस हमेशा आपको पता है कि हमेशा डिस्टेंस पाथ होता है और पाथ जो है वो हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है पाथ से मतलब है आपको राइट right, लेफ्ट से मतलब नहीं है ये डिस्टेंस से मतलब ये डिस्टेंस कितना है टू मीटर बस इससे मतलब आपको ओके okay? डिस्प्लेसमेंट yes, बताओ कितनी है फाइनल पोजीशन फाइनल पोजिशन क्या आपकी माइनस टू फाइनल पोजिशन एक्स टू माइनस एक्स वन फाइनल पोजिशन माइनस एक्स टू इनिशियल पोजिशन जीरो तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया माइनस टू मीटर तो इस केस में भी आप देखेंगे सेम डायरेक्शन मूव कर रहे थे तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस एग्री हैं इस बात से या नहीं हैं हाँ बेटा एग्रीड और नॉट तो चलिए अब मैं एक छोटा क्वेश्चन देता हूं आपको ये उसी तरीके से आपके नंबर लाइन है ये आपका जीरो और ये आपका एक पॉइंट एक्स इक्वल्स टू प्लस टू फोर्टी और यहां एक पॉइंट आपका एक्स इक्वल्स टू प्लस थ्री सिक्सटी ये पॉइंट है ये पॉइंट आपका Q, और ये पॉइंट आपका P, ओके okay? चलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं students. आपने मूव किया है O से P कहा मूव किया है O से P. O से P पर यानी कि ओ टू यहां गए हैं आप ठीक है तो आप मुझे बताइए और कितना टाइम आपने लिया है यहां से आ जाने में एटीन सेकेंड्स टाइम कितना लिया आपने सेकंड तो बेटा मुझे एवरेज स्पीड बताओ कितनी होगी ट्वेंटी वेरी गुड तो थ्री सिक्सटी बहुत बढ़िया डिवाइडेड बाई एटीन सेकेंड थ्री सिक्सटी मीटर अपॉन एटीन सेकेंड तो आंसर आया आपका ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है तो एवरेज स्पीड आ गई आपकी ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड बिल्कुल बहुत अच्छे अब स्टूडेंट्स हम निकालते हैं एवरेज विलॉसिटी एवरेज विलॉसिटी होती है डिसप्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन ठीक है ओके okay. तो बताइए एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी बेटा डिस्प्लेसमेंट आपको पता है चेंज इन पोजिशन अपॉन टाइम टेकन ठीक है तो चेंज इन पोजिशन कितनी है आपकी एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन टाइम को भी आप चेंज इन टाइम लिख सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है टी टू माइनस टी वन यहां पर टाइम क्या था आपका टी जीरो जब आपने स्टार्ट की जर्नी तो टाइम जीरो था आपकी स्टॉप वॉच स्टॉप वॉच है ना आपके पास मोबाइल में भी स्टॉप वॉच होती है तो जीरो पे सेट कर दिया आपने ऊपर और जैसे जर्नी खत्म हुई आपने टाइम नोट कर लिया तो टी वन था आपका जीरो और टी टू कितना था आपका एटीन सेकंड 18. तो एक्स वन कितना था स्टूडेंट्स आपका जीरो मीटर और एक्स टू कितना है प्लस थ्री सिक्सटी मीटर एग्री है तो बताइए एवरेज वेलोसिटी कितनी आई मेरी ट्वेंटी एक्स टू कितना है प्लस थ्री सिक्सटी माइनस जीरो डिवाइडेड बाय टी टू कितना है एटीन सेकेंड माइनस टी वन कितना था जीरो तो कितना बना प्लस थ्री सिक्सटी अपॉन एटीन तो प्लस थ्री सिक्सटी मीटर अपॉन एटीन सेकेंड तो कितनी आए स्टूडेंट्स एवरेज वेलोसिटी प्लस ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड सर ये प्लस लिखना जरूरी है बिल्कुल जरूरी है क्यों क्योंकि दो ही डायरेक्शन पॉसिबल हैं जब हम एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं एक तरफ की डायरेक्शन मैंने ले ली पॉजिटिव तो दूसरी डायरेक्शन क्या ले ली नेगेटिव और एवरेज वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है कैसी क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी है एवरेज वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने आप प्लस लिखा यहां प्लस लिखा मैंने स्टूडेंट डिस्टेंस के लिए नहीं लिखा ना प्लस टाइम के लिए प्लस लिखा मैंने अरे बेटा कुछ नहीं लिखा इसका मतलब प्लस ही है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन लिख तो नहीं रहा ना मैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए नहीं लिख रहा बस ओके लेकिन यहां देखो टाइम भी आगे नहीं लिखाना कुछ भी लेकिन यहां क्या लिखा प्लस थ्री तो ये जो प्लस आया आपका यहां जो प्लस आया आपका ये डायरेक्शन बता रहा है तो जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी वही एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी तो डायरेक्शन ऑफ पहला पॉइंट नोट करें डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी विल बी सेम As direction of displacement. Is this clear? Yes, sir. So, direction of average velocity is same as. डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो जो यहां प्लस है तो यहां भी प्लस साइन आएगा क्योंकि तो टाइम का तो कोई साइन चेंज होने से मतलब नहीं है ये प्लस है प्लस ही रहेगा तो स्टूडेंट्स आपकी डायरेक्शन होगी वेलोसिटी की यानी कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब था चेंज इन पोजीशन चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम टेकन तो आपकी पोजिशन चेंज हुई अपॉन टाइम टेकन तो पर सेकंड आपने 20 मीटर मूव किया है किस डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन तो ये जो प्लस आया है ये डायरेक्शन बता रहा है आपको पॉजिटिव डायरेक्शन और ये जो 20 स्टूडेंट ये क्या है 20 मीटर पर सेकेंड व्हाट इज दिस वेरी गुड वेरी गुड दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी दिस प्लस इज डायरेक्शन ऑफ विलोसिटी नॉट विलोसिटी एवरेज विलोसिटी तो स्टूडेंट्स एक बात बताओ हम हम ये बार बार वर्ड लिखते हैं एवरेज इसकी जगह शॉर्ट 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 कोई सिंबल बना दे इसका ये v और v के ऊपर बार लगा दो ठीक है अच्छा रहेगा सिंबल बना दे दो हा? Yes, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी और ये हो गया डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी प्लस ओके तो स्टूडेंट्स हमने जब वेक्टर क्वांटिटी लिखा तो दोनों चीजें लिखनी है डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी तो स्टूडेंट्स फर्स्ट चीज तो आपने ये नोट की सेकंड चीज आपने क्या नोट की इसमें हम एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे थे ना मूविंग इन देखो एक तो होता है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अब मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का मतलब कि आप इधर भी जा सकते हो फिर इधर से घूम के इधर चले गए फिर इधर चले गए मतलब स्ट्रेट लाइन पे घूमते रहे आप है ना लेकिन एक होता है मूविंग इन वन डायरेक्शन यानी कि आप वापस नहीं आओगे सिर्फ एक ही डायरेक्शन चलते रहोगे तो जब हम एक ही डायरेक्शन मूव करते हैं तो आपने क्या नोटिस किया था ऊपर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू बताओ क्या लिखा था बेटे मैगनी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस वेरी गुड तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिखा था आपने अच्छा अब आप एक बात बताओ जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपने सेम कर दिया यहां आप देख रहे हैं ये भी 360 मीटर और ये भी 360 सिक्सटी मीटर दोनों मैग्नीट्यूड सेम कर दिया आपने 360 मीटर 360 मीटर तो एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होगा या नहीं होगा यस यस सर सेम तो ये था आपका मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज स्पीड और ये है मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी तो इसका मतलब देयरफॉर अगर डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है तो इसका मतलब है एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी लिख सकता हूं मैं यस yes, नहीं गलत हो जाएगा क्योंकि अगर आपने एवरेज वेलोसिटी लिख दिया यहां पर तो उसमें दोनों चीजें आ जाएंगी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों लेकिन आप तो जो है मैग्नीट्यूड को मैग्नीट्यूड से ही कंपेयर कर सकते हो yes. तो इसलिए क्या लिखना पड़ेगा मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज प्रोडक्ट यस एब्सोल्युटली और अगर मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी स्टूडेंट्स तो ये तो था मूविंग इन वन डायरेक्शन अब थर्ड पॉइंट जो नोट करना है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन चेंजिंग डायरेक्शन चेंजिंग डायरेक्शन ठीक है स्टूडेंट्स तो आप मुझे बताओ ऊपर आपने एग्जाम्पल किया था जब आप गए थे ए टू बी एंड देन बी टू सी ए से बी गए थे आप और बी से कहा गए थे सी तो आपकी पाथ लेंथ की पाथ लेंथ कितनी आई थी स्टूडेंट डिस्टेंस कितना आया था आपका नाइन मीटर आया था आपका बहुत अच्छे और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना आया था ए सी वेरी गुड तो मैग्नीट्यूड कितना आया था ए सी आपकी मैग्नीट्यूड of... बिल्कुल ठीक है एसी था कितना कितना मीटर minus 3 meter. नहीं 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 माइनस नहीं बोलोगे मैग्नीट्यूड में क्योंकि माइनस डायरेक्शन के लिए है वेरी okay, गुड बेटे बहुत अच्छे देखो गलत बोलोगे ना तो वो सीखने की पहली सीढ़ी होती है गलत बोलना गलत बोलोगे ध्यान रहेगा आपको ठीक है तो बोल लो लेकिन बेशक गलत बोल लो अच्छी बात है गलत बोलना भी कोई बुरी बात नहीं है स्टूडेंट के लिए क्योंकि वो वो ध्यान रहेगा कि भाई ये तो बोला था मैं गलत आंसर हो गया था तो बताओ मुझे डिस्टेंस था आपका नो मीटर क्यों क्योंकि ये था आपका तीन मीटर और इधर गए आप छह मीटर लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट थी वो तो क्या थी आपकी इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन है ना तो उसका डायरेक्शन थी थ्री नेगेटिव और था थ्री मीटर्स जबकि ये आपका आया था नाइन मीटर्स तो ऑफ़ डिस्प्लेसमेंट कितना था स्टूडेंट्स? थ्री मीटर तो मुझे बताओ क्या दोनों इक्वल हैं? अगर एक डायरेक्शन तो चेंज हो जाए डायरेक्शन चेंज डायरेक्शन चेंज तो मुझे बताओ दोनों में से कौन सा बड़ा होगा वेरी गुड तो डिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एग्री है इस बात से सब या नहीं है आराम से सोच के बताओ क्यों क्योंकि आपका ओडोमीटर तो बंद होना नहीं है आप बेशक डायरेक्शन चेंज करते रहो कार का ओडोमीटर तो चलता रहेगा वो तो डिस्टेंस को मेजर करता ही रहेगा जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है आपकी उसमें तो आप सिर्फ आपको मतलब ही नहीं है कि ओडो कि आप कौन से पाथ से गए डिस्प्लेसमेंट में पाथ से लेना देना ही नहीं है उसमें तो लेना देना सिर्फ किससे सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन बस पाथ से लेना देना है स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट इंडिपेंडेंट लिख लो डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ पाथ से कोई लेना देना ही नहीं है बनाओ अच्छे अच्छे नोट्स और दो तीन तरह के पेन यूज किया करो रेड पेन ब्लू पेन ब्लैक पेन पेंसिल क्वेश्चन ब्लैक पेन से लिखो फार्मूले रेड पेन से लिखो और बाकी चीजें जो है वो ब्लू पेन से लिखो डायग्राम पेंसिल से बनाओ तो बिल्कुल एकदम अच्छे अच्छे नोट्स बिल्कुल बढ़िया चले बेटा yes, तो चलो थर्ड पॉइंट यहां नोट कर रहे थे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन चेंजिंग डायरेक्शन तो अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो चेंजिंग डायरेक्शन लिख दो या चेंज इन डायरेक्शन लिख दो एक ही बात है दोनों का कोई मतलब नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता तो चेंज इन डायरेक्शन तो अगर डायरेक्शन चेंज हो गई तो स्टूडेंट डिस्टेंस या मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कौन सा बड़ा होगा इसमें से डिस्टेंस बड़ा होगा और उसी तरीके से देयर फॉर एवरेज स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी कौन सा बड़ा होगा एवरेज स्पीड वेरी गुड बहुत बढ़िया तो कौन सा बड़ा होगा स्टूडेंट दोनों में से टाइम तो सेम है डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो स्पीड एवरेज स्पीड भी ज्यादा हो गई इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स तो चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं फिर इसी बात पर ये स्टूडेंट्स हमारा हमारी एक्सिस और इस पर जो है ये था हमारा पॉइंट ओरिजिन ये था क्यू पॉइंट ये था हमारा ओरिजिन ये हमारा क्यू पॉइंट और ये है हमारा पी पॉइंट तो स्टूडेंट्स ये है x इक्वल्स टू टू फोर्टी मीटर प्लस टू फोर्टी मीटर इनफैक्ट क्योंकि तो पोजिशन भी तभी बताएंगे आप क्योंकि अगर आपने सिर्फ टू फोर्टी बोल दिया पोजिशन तो इस तरफ है टू फोर्टी या इस तरफ है तो इसलिए आपको पोजिशन साथ बताना पड़ता है हमेशा तो प्लस टू फोर्टी मीटर और स्टूडेंट्स इसकी पोजिशन है पी की एक्स इक्वल टू प्लस थ्री सिक्सटी मीटर अभी जो ऊपर वाला क्वेश्चन किया था आपने तो उसमें आप सिर्फ गए थे ओ से पी अब इस बार क्या कर रहे हैं आप पहले ओ से पी जा रहे हैं और फिर पी से क्यू आ रहे हैं ठीक है तो क्या क्वेश्चन हो गया इस बार yes, तो क्वेश्चन हो गया बेटा आपका ओ टू पी एंड देन पी टू क्यू ओके okay? और यहां पर आपको पता है, एक्स इक्वल टू जीरो पोजिशन पता लगे चलिए अब इसमें आप मुझे एवरेज स्पीड बताइए चलिए क्या आएगी एवरेज स्पीड आपकी टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस का मतलब क्या है टोटल पाथ पाथ लेंथ लेंथ टोटल अपॉन अपॉन टाइम टाइम टेकन टेकन बताओ पाथ लेंथ कितनी आएगी आपकी पहले आप गए ओ से पी और फिर गए आपके तो ओडोमीटर तो बंद होगा नहीं आपका ओडोमीटर तो चलता रहेगा और स्टूडेंट्स इसमें जो टाइम आपको जो लगा है यहां से यहां अठारह सेकंड लगे थे आपके और यहां से यहां सिक्स सेकंड लगे आपको ठीक है तो टोटल टाइम कितना हो गया ट्वेंटी फोर सेकेंड ट्वेंटी तो अब आप मुझे बताओ ओप तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई आपकी ओपी प्लस पी क्यू सिक्स हंड्रेड मीटर वेरी गुड थ्री सिक्सटी और क्यू टू पी ध्यान से देखो हाँ? देखो क्यू और P तो के बीच में डिस्टेंस कितना है 120 मीटर है बस तो हा बेटे कोई बात नहीं आपने बता दिया 360 हम वापस यहां तो नहीं गए ना वापस जीरो पे तो 360 सिक्सटी प्लस वन ट्वेंटी यहां से यहां गए ये डिस्टेंस था 360 सिक्सटी मीटर्स हम्म और ये था 20 मीटर्स 120 तो 360 को ट्रैवल करने के लिए आपने 18 सेकंड लगाए थे और 120 मीटर को ट्रैवल करने के लिए आपने 6 सेकंड लगाए है कोई दिक्कत इसमें तो कितना आ गया 480 हंड्रेड एट्टी अपॉन ट्वेंटी फोर सेकेंड फोर हंड्रेड एट्टी मीटर तो कितनी आई एवरेज स्पीड तो ये तो था आपका पार्ट ए अब पार्ट बी है एवरेज वेलोसिटी ये बताओ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन और डिस्प्लेसमेंट क्या आपकी बेटा चेंज इन पोजिशन तो चेंज इन पोजिशन अपॉन टाइम टेकन अब चेंज इन पोजिशन क्या फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन तो स्टूडेंट्स इसमें मुझे पांच से मतलब है क्या पांच से मतलब है कोई डिस्प्लेसमेंट में तो आपकी x2 क्या है x2 टू पोजिशन ये फाइनल पोजिशन है ना आपकी q तो x2 क्या आपका प्लस टू फोर्टी मीटर और स्टार्ट कहां से किया था आपने x1 क्या था आपका जीरो मीटर तो आपको मतलब ही नहीं है कि आप सीधा ओ से क्यू जाओगे तो भी भाई आंसर होगा आपका आप डायरेक्ट ओ से क्यों जाओगे तो भी वही आंसर है आप ओ से पी गए पी से क्यू चक्कर काटते रहो कितने चक्कर काटते रहो आखिरी में यह बता देना पर रुके कहा ठीक <laughs> है ना तो आप चाहे ओ से पी जाओ पी से ओ जाओ ओ से क्यू जाओ कोई बात नहीं सर मैं तो ओ से पी जाऊंगा पी से क्यों जाऊंगा चले जाओ जो जहां मर्जी जाओ कोई मतलब ही नहीं मेरे को <laughs> मेरे को मतलब किस बात से मजेदार बात ही है इसके अंदर घूमते रहो तुम उसने कहा सर मैं ओ से क्यू जाऊंगा चले जाओ बेटे सर मैं ओ से पी पी से ओ से क्यू जाऊंगा चले जाओ बेटे फिर कहा सर मैं तो ओ से जाऊंगा पी पी से जाऊंगा क्यू क्यू से फिर पी जाऊंगा और पी से फिर क्यू जाऊंगा जाते रहो कहीं भी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट मुझे बस उससे मतलब है तो स्टार्टिंग पोजिशन है मेरी एक्स वन और फाइनल पोजिशन मेरी एक्स टू बस बेटे मेरे को तो उससे मतलब है बीच में कहा घूम रहे हो इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है समझ में आ गया डिस्प्लेसमेंट का मतलब चेंज इन पोजीशन सिर्फ बस क्लियर है स्टूडेंट्स तो वेलोसिटी सिर्फ हमारी चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम है तो सबको क्लियर हुआ तो बताओ चलो अब कितना आंसर आया बताओ चलो वेरी गुड तो एक्स टू कितना था 240 मीटर माइनस एक्स वन कितना है जीरो मीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 18 प्लस सिक्स 24 सेकंड तो so, ये कितना आ गया प्लस 24 प्लस 240 अपॉन 24 सेकंड तो इस कैंसिल हो जाएगा 10 से तो, 10 कितना, 10 तो कितना तो कितना आया टेन मीटर पर सेकेंड ये आ गई वेलोसिटी तो स्टूडेंट्स आपकी एवरेज स्पीड आई थी ट्वेंटी और एवरेज वेलोसिटी आ गई टेन क्या टेन मेरा सही आंसर है या इनकंप्लीट आंसर है वेरी वेरी गुड गुड बस अब आप समझ गए स्टूडेंट्स यही फिजिक्स है बस यही फिजिक्स है कि वेक्टर क्वांटिटी जो है एवरेज वेलोसिटी मेरी वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी को मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड से नहीं लिख सकता और एवरेज स्पीड जो है वो मेरी स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर क्वांटिटी को सिर्फ मैग्नीट्यूड से लिखूंगा और वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड मैंने लिख दिया ये था मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी तो एवरेज वेलोसिटी आपको पता है इसका सिंबल होता है v के ऊपर बार और अब इसके आगे डायरेक्शन बतानी पड़ेगी मुझे डायरेक्शन क्या है स्टूडेंट्स राइट की तरफ मूव किया है ओरिजिनल पोजीशन से लेफ्ट की तरफ मूव किया है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है ना लिखा ना ऊपर फर्स्ट पॉइंट नोट में लिखा था ना क्या लिखा था फर्स्ट पॉइंट नोट में बताओ डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी विल बी सेम एज डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिखा था नहीं लिखा था यस yes, सर उसके बाद अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो ये भी क्या होगा पॉजिटिव ही होगा यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन में टेन मीटर पर सेकंड मूव किया है एक सेकंड में मैं अपनी पोजीशन से इधर टेन मीटर पर सेकंड गया हूं ठीक है और ये ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड ये किधर भी हो सकता था ये इधर भी हो सकता था इधर भी हमें इससे कोई लेना देना नहीं ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है बस कई बार हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है चलिए अब जैसे आप गाड़ी में बैठे हैं तो आपको ये तो पता ही भाई ठीक है मैं सही रास्ते पे जा रहा हूं तो उस समय आपको सिर्फ स्पीड की जरूरत होती है सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है आप पापा से पूछते हो कि पापा नॉर्थ जा रहे हो साउथ जा रहे हो ईस्ट जा रहे हो वेस्ट जा रहे हो क्योंकि वो आपके हाथ में ही नहीं है आपको तो जिस डायरेक्शन में रोड मिलेगा उसी डायरेक्शन में जाना तो इस समय आपको, से लेना, देना ही नहीं। आपको से लेना देना है बस। तो जब आपको से लेना देना है स्केलर क्वांटिटी तो, तो स्टूडेंट्स इसमें जो तीसरी बात थी कि मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन चेंज इन डायरेक्शन अगर डायरेक्शन चेंज हो जाए तो आपको पता है डिस्टेंस जो है इसमें डायरेक्शन चेंज हो गई थी तो डिस्टेंस तो 480 आया था लेकिन डिस्प्लेसमेंट 240 रह गई थी है ना तो डिस्टेंस विल इज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो इसीलिए एवरेज स्पीड भी ट्वेंटी आई और आपकी जो मैग्नीट्यूड है एवरेज वेलोसिटी का वो कम आया तो स्टूडेंट्स ये तीन नोट याद हो गए सबको अच्छे से Yes, चलिए अब हम आगे चले yes, अब हम फिर से अपने स्पीडोमीटर पे वापस आ जाते हैं ये हमारा स्पीडोमीटर है और इसमें यह एक सुई होती है और ये हमारा सपोज ट्वेंटी और अब ये दिखा रही है फोर्टी ठीक है ना बेटा ऐसा ही होता है ना स्पीडोमीटर yes, तो ये जो ये जो स्पीड बता रही है ये मैंने आपको पहले बताया था सिर्फ स्पीड का मतलब होता है इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस स्पीड अब जिस तरीके से इंस्टेंटेनियस स्पीड आप मुझे बताना एवरेज स्पीड जो थी आपकी और आपने इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाली तो इंस्टेंटेनियस स्पीड में आपने क्या किया मीट एक्चुअली में क्या किया कि थोड़ा सा डिस्टेंस और थोड़ा सा टाइम दोनों को डिवाइड कर दिया तो स्पीड आ गई आप एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं distance, distance, time, time, बिल्कुल ठीक है तो फार्मूला तो वही है तो जब आप एवरेज स्पीड आपने निकाली तो टोटल अब इंस्टेंटेनियस जब स्पीड निकालते हैं स्टूडेंट्स तो डिस्टेंस भी थोड़ा सा है वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस और उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने जो टाइम मिला वो भी वो भी थोड़ा ही मिलेगा आपको टाइम टेकन है ना तो टाइम भी क्या होगा वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए टाइम कितना होगा वेरी वेरी स्मॉल टाइम लिख लिया सबने yes, तो उसी तरीके से स्टूडेंट्स एवरेज विलॉसिटी क्या था आपका सिंबल वी के ऊपर बार चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम यही था ना बेटा अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या आप बोल दो सिर्फ वेलोसिटी अगर सिर्फ वेलोसिटी बोलोगे तो उसका मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही होगा तो ये बार हटा दो बस ऊपर से तो ये सिंबल बन गया आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एग्री है इस बात से अब यहां पर वेरी वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन पोजिशन तो स्टूडेंट्स ये तो सिंबल था डेल्टा तो चेंज का किसका चेंज इन क्या है इसका मतलब लेकिन जब वेरी 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 स्मॉल चेंज हो तो उसका सिंबल क्या होगा उसका सिंबल होगा ये स्मॉल डी क्लियर हो गई बात yes, तो हमने सिंबल चेंज कर दिया दोनों ही ये डेल्टा था डेल्टा का मतलब था चेंज इन वो ज्यादा भी हो सकता है चेंज जो मर्जी हो सकता है लेकिन जब हम बहुत थोड़ा थोड़ा बहुत थोड़े चेंज की बात करें तो उसके लिए सिंबल क्या होता है स्मॉल डी तो स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे जब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालेंगे तो इतने से यानी कि ग्यारह बजकर दस मिनट पांच सेकंड और ग्यारह बजकर दस मिनट छ सेकंड समझे बात तो इसके बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया तो इसके बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो आपने किया मान लो जीरो मैंने तो सर इसके बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो किया टेन मीटर्स बहुत बढ़िया और टाइम कितना लगा वन सेकेंड तो आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड तो जो एवरेज ना बोल के जब बहुत छोटी चीजें में तो एवरेज ना बोल के मैं उसको बोलता हूं इंस्टेंटेनियस ये बात समझ में आई मतलब जब ये बहुत छोटे हो जाते हैं डिस्प्लेसमेंट और टाइम तो एवरेज वर्ड का नाम चेंज होकर इंस्टेंटेनियस आ जाता है बस क्योंकि उससे हमें इंस्टेंटेनियस पता लग जाता है कि उसी समय कितनी चल रही क्योंकि टाइम भी हमने थोड़ा सा ही लिया है और वो भी इज दिस क्लियर और नॉट सर तो अब हमारे पास फार्मूला आ गया एवरेज वेलोसिटी का तो आ गया ये और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का आ गया ये इसका मतलब है वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम ओके सर अब अब इसको बुक में लिखने का तरीका क्या है ध्यान से देखेंगे v इज इक्वल्स टू ये जो डेल्टा x बाय डेल्टा t था मैंने टी को छोटा करना शुरू कर दिया जितना छोटा मैं ले सकता हूं तो इसीलिए वेरी, वेरी, वेरी स्मॉल तो बोल देता हूं जैसे आपका बड़े से बड़ा नंबर इन्फिनिटी होता है ना इन्फिनिटी उसी तरह छोटे छोटा नंबर जीरो से जीरो से तो बड़ा होगा लेकिन छोटे छोटा पॉजिटिव छोटे छोटे नंबर तो इसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट एसिमल स्मॉल क्या बोलते हैं पहले इन फाइनाइट लिख लो इनफाइनाइट लिखो पहले इनफाइनाइट लिखा उसके बाद लिखो एस आई एम ए एल इनफाइनाइट एसिमल तो इनफाइनाइट एसिमल का मतलब क्या हो गया बहुत छोटा नंबर एसिमल का मतलब है इसी को आप इसके लिए ये भी हम सिंबल यूज करते हैं कि भाई लिमिट कर रहे हैं डेल्टा टी टेंड टू जीरो मतलब डेल्टा टी जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा ले लो जीरो से बड़ा हो लेकिन जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा ले लो तो यह बात कहने का ढंग है मेरा आप समझ गए जो मैं बार बार वेरी 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 स्मॉल लिखने का ढंग क्या है मेरा डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो यानी डेल्टा टी को जितना छोटा कर सकते हो उतना छोटा ले लो जब जितने छोटे टाइम पर आप निकालोगे उतना ही छोटा आपका क्या आएगा अब डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो इसके लिए हमने सिंबल बना दिया क्या बना दिया डी टी समझ गए बहुत छोटा टाइम बहुत छोटा बहुत छोटा बहुत छोटा टाइम जितना जीरो की तरफ ले जा सकते हो ले जाओ उतना जीरो की तरफ तो जो डेल्टा एक्स एक इक्वल हो जाएगा ये भी उतना ही छोटा हो जाएगा हाँ हां ना yes, तो बस बात को लिखने का ढंग है बेटे बस एवरेज वेलोसिटी में कोई भी पोजीशन हो सकती है लेकिन जब इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे तो बहुत छोटा टाइम लेना आपको बहुत छोटा टाइम और उतने छोटे टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट हुई है उतनी छोटी वो लेनी है बस तो इंस्टेंटेनियस आ, आ जाएगा आपके पास आई होप कि सबको एवरेज और इंस्टेंटेनियस में डिफरेंस समझ में आ गया होगा आया समझ या नहीं आया बोलो बेटा बाकी भी बोलो yes, भाई दिमाग yes, दिमाग पर बोझ तो नहीं पड़ रहा ये बताओ बस मेरे को अगर बोझ नहीं पड़ रहा तो हम आगे काम करें और बोझ पड़ रहा है तो इसको खत्म करें बोलो तुम्हारी मर्जी है नहीं पड़ रहा। हाँ नहीं पड़ रहा वो जोर चलो ठीक है तो यानी कि अभी मशीन गरम नहीं हुई है तो थोड़ा काम और कर सकते हैं अभी हैं स्विच ऑफ करने से पहले सर थोड़ा छोटा कंसेप्ट है रिलेटिव वेलोसिटी जो आप सब चाहते थे अब उसी पे आ रहा हूं मैं क्योंकि आपने दो तरह की वेलोसिटी तो कर ली है एवरेज आपने कर ली हम्म इंस्टेंटेनियस आपने कर ली तो अब हम एवरेज भी अब हम अब हम हमारे हैं किस पर रिलेटिव विलॉसिटी पर तो चले बहुत बढ़िया अगला कंसेप्ट स्टूडेंट्स हमारा रिलेटिव ध्यान से देखेंगे अभी तक जितनी भी आपने विलॉस्टी की मैंने कहा मैं यहां से यहां गया प्लस ट्वेंटी मीटर पर सेकंड ये मेरी विलॉसिटी थी तो मैंने जो है तीन सेकंड मेरा टाइम था तो मेरी पोजीशन हो गई यहां पे फाइनल पोजीशन कितनी हो गई स्टूडेंट फाइनल पोजीशन तीन सेकंड में अगर वेलोसिटी मेरी ट्वेंटी मीटर पर सेकंड है तो वेरी गुड सिक्सटी मीटर्स हो गई बिल्कुल ठीक है तो आप जो थे आप कहाँ खड़े थे आप यहां खड़े थे ना एक्स, एक्स वन आपका यहां था ना क्योंकि जो आपने डिस्प्लेसमेंट निकाल ली वो कैसे निकाल ली डिस्प्लेसमेंट क्या निकाली एक्स टू माइनस एक्स वन तो फाइनल पोजिशन प्लस सिक्सटी माइनस इनिशियल पोजिशन जीरो प्लस सिक्सटी मीटर एग्री है या नहीं है yes, sir. अब आप मुझे एक बात बताओ ये आपकी कार थी जिसमें आप मूव कर रहे थे अब मान लो एक कार और आ जाए ये थी कार ए और यह कार बी अब मैं बैठा यहां हुआ हूं मैं यहां बैठा हुआ हूं सिट और इसकी चेक कर रहा हूं मैं पहले मैं कहां खड़ा हुआ था ग्राउंड पर कहा बैठा हुआ था मैं इस केस में कहा था मैं ये एक्स वन पोजिशन क्या थी मेरी ग्राउंड ग्राउंड पर था मैं फिक्स थी ये मेरी पोजिशन क्लियर है yes, sir. अब मैं यहां बैठा हुआ हूं ए भी इधर मूव कर रहा है और बी भी उसी तरफ मूव कर रहा है बेटे, यानी कि अब आपकी इनिशियल पोजिशन फिक्स ही नहीं है जिससे आप डिस्प्लेसमेंट मेजर करेंगे, ये मान लो मूव कर रहा है थर्टी किलोमीटर पर आर और ये बी मूव कर रहा है ट्वेंटी किलोमीटर पर आवर आई बात समझ में yes, अब मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालनी है कि भाई डिस्प्लेस ऑब्जेक्ट बी इज डिस्प्लेस्ड यही था ना ये ए ए मूव करे तो चलो ए इज डिस्प्लेस्ड तो आप ए की वेलोसिटी निकालना चाहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए कार ए की ये निकालना चाहते हैं आप बैठा कहां हुआ बंदा विद रिस्पेक्ट टू कार बी यानी कि कार बी में बैठा हुआ है इज दिस क्लियर स्टूडेंट सर तो आप सबसे पहले विलोस्टी का फार्मूला क्या है डिसप्लेसमेंट अपॉन टाइम चेंज इन पोजिशन अपॉन चेंज इन टाइम यही तो फार्मूला है आपका Yes, तो अब आप एक घंटे बाद बताओ मुझे ए कहां होगा यहां से एक घंटे बाद मान लो दोनों इकट्ठे हैं अभी तो दोनों एक ही जगह खड़े हुए हैं ए बी और बी भी दोनों एक ही जगह है। ये थर्टीज ये ये ओरिजिन है जहां खड़े हैं दोनों यहां खड़े हुए हैं दोनों ठीक है तो इनकी जो पोजिशन होगी बी की वो कहां होगी ए की कहा होगी ये ए है ए कहां होगी हम ए की वेलोसिटी निकाल रहे हैं ना ए कहाँ होगी तो बताओ यहां से थर्टी किलोमीटर दूर जा चुकी होगी ना अपने इस पोजिशन से क्योंकि इसकी स्पीड है थर्टी किलोमीटर पर आर तो एक घंटे में कहाँ जा चुकी होगी वो बताओ किलोमीटर और जो बी कार है वो कितना गई होगी किलोमीटर ट्वेंटी किलोमीटर तो आप अब जो आप निकाल रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी यानी कि बंदा ये जो बी लिखा हुआ ना इसको समझना यहां सिट लिख दिया करो बस कि यहां बैठा हुआ बंदा और ए की निकाल ठीक है तो आप हाँ तो जैसे आप निकालते थे आप पहले जो ये डिस्प्लेसमेंट निकालते थे इसमें एक्स टू माइनस एक्स में लिखते थे है ना तो अब आप यहां पर जो पोजिशन आपकी एक्स टू है वो कितनी है थर्टी किलोमीटर पर आर और एक्स वन क्या हो जाएगी प्लस ट्वेंटी किलोमीटर ये बताना चाहता हूं मैं अगर आप ग्राउंड पे खड़े थे यहीं की यहीं तो तो आपका आंसर कोई दिक्कत नहीं है वेलोसिटी ऑफ ए वही हो जाएगी आपकी प्लस थर्टी किलोमीटर पर आर और डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगी आपकी डिस्प्लेसमेंट ऑफ a प्लस थर्टी किलोमीटर कोई दिक्कत नहीं है ये किससे कंपेयर कर रहे थे आप ग्राउंड से जो अब तक निकाल रहे थे सारे क्वेश्चंस लेकिन अब आप ग्राउंड से कंपेयर नहीं कर रहे आप एक और दूसरी कार में बैठे हो जो जो दूसरी कार भी मूव कर रही है तो इसलिए आपका एक्स वन चेंज हो रहा है पहले आपका एक्स फिक्स था ये ग्राउंड एक्स फिक्स था आपका। बस इतना ही डिफरेंस है स्टूडेंट्स फार्मूला वही रहेगा x2 टू माइनस एक्स वन अपॉन टी टू माइनस टी वन वही टोटल टाइम टेकन कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स इस कंसेप्ट में नो no, सर no. तो ये हो गया प्लस थर्टी और ये हो गया माइनस ट्वेंटी तो कितना आ गया पॉजिटिव टाइम वन आवर लगा तो दिस इज इक्वल टू प्लस टेन किलोमीटर पर आर आर के लिए सिर्फ एच लगाएंगे स्टूडेंट्स आर नहीं लगाएंगे तो so स्टूडेंट्स अब आप सीख गए हैं रिलेटिव लॉस्टिक क्या होती है अब आप वैसे निकाल लो सर कंसेप्ट तो समझ में आ गया ना अब आपके कंसेप्ट पहले इस कंसेप्ट समझ में आना जरूरी है सर फार्मूले से भी समझा दो आप फार्मूले से समझ लो वी किसकी निकालनी थी आपको ए विद रिस्पेक्ट टू बी तो फार्मूला वी ए माइनस वी बी वी ए कितना था इस डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताएंगे साथ में क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी तो प्लस ट्वेंटी था सर बहुत बढ़िया ये क्या था आपका वी ए और वी बी कितना था ओ सॉरी वी ए थर्टी था ना अरे कोई दिक्कत है क्या वी no, ए था आपका प्लस थर्टी किलोमीटर पर आर और वी बी था आपका प्लस ट्वेंटी किलोमीटर पर आर तो रिलेटिव वेलोसिटी वी ए माइनस वी बी यानी कि प्लस थर्टी माइनस प्लस ट्वेंटी इज इक्वल्स टू 30 माइनस ट्वेंटी इज इक्वल्स टू प्लस टेन किलोमीटर पर आर यानी कि आप बैठे हुए हैं यहाँ पर और ये ए जो है ये मूव कर रहा है इसकी वेलोसिटी आप निकाल रहे हैं हो सकता है दोनों ही मूव कर रहे हो लेकिन इसकी वेलोसिटी आप इंटरेस्टेड हैं इसकी वेलोसिटी निकालने में और यहां बैठकर तो बात ये यह है कि यहां बैठने के कारण आपका एक्स वन चेंज हो रहा है ठीक है ना तो स्टूडेंट्स यहां से भी आपको पता लग गया कि आप इस तरफ जो नेट विलोसिटी है यानी कि जो नेट डिस्प्लेसमेंट है ये बात लास्ट में डिस्प्लेसमेंट पे आगे समझना कि ये जो पोजिशन है ये जो है वो ए जो है वो आगे होगा विलोसिटी ऑफ ए प्लस टेन है यानी कि डिस्प्लेसमेंट आपकी प्लस टेन है डिस्प्लेसमेंट ये पोजिशन है किसकी बी की और ये पोजिशन है किसकी ए की तो जो डायरेक्शन जो साइन वेलोसिटी का होगा वही डिस्प्लेसमेंट का भी होगा मैंने आपको बताया था पहले भी तो स्टूडेंट्स ये जो है ये प्लस टेन होगा प्लस टेन किलोमीटर यानी बी से जो है ए जो है ये प्लस टेन किलोमीटर आई होप कि आप मीनिंग समझ गए होंगे एक और एग्जांपल करें तो अगर सेम डायरेक्शन में है तो ऑफकोर्स दोनों उसी तरह मूव कर रहे हैं तो नेट जो डिस्प्लेसमेंट होगी ओके। so okay. अच्छा जो हमने लिखा ये नोट कर लिया आपने आपकी वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही थी समझ नहीं आया कोई बात नहीं चलो दोबारा समझा देते हैं हम बेटा मैंने यही कहा है वी ए बी आप बी में बी जो कार उसमें बैठे हुए हैं तो इसका फॉर्मूला है वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू वी ए था प्लस थर्टी और वी बी था प्लस ट्वेंटी तो एक्चुअली ये आपकी एक घंटे बाद फाइनल पोजिशन एक्स टू और ये आपकी एक घंटे बाद इनिशियल पोजिशन मतलब जहां से आप मेजर करेंगे डिस्प्लेसमेंट बस यही तो चीज है ये आफ्टर वन आर आपकी ये हो गई एक्स टू और ये हो गई आपकी एक्स तू. बी से आप देखना चाहते हैं बी में बैठ के कि ए जो है वो मेरे से कितना दूर चला गया ए की वेलोसिटी कितनी है यही आप यहां भी तो यही करते थे या आप ग्राउंड पे खड़े रहते थे और जो है वेलोसिटी आप निकालते थे कि भाई ये कार है ये यहां से यहां पहुंच गई 60 किलोमीटर पर आवर तो उसका मतलब क्या होता था वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो यानी कि 60 किलोमीटर डिस्प्लेस हो गई थी जहां से आप मेजर कर रहे हैं जहां आप खड़े हैं वहां से 60 किलोमीटर पहुंच गई थी गाड़ी आगे पॉजिटिव डायरेक्शन ओके स्टूडेंट्स बात आप समझ गए हैं वैसे है ना हो सकता है देर माइट बी सम नेटवर्किंग इश्यूज बट कंसेप्ट आई थिंक इज क्लियर टू यू ऑफ रिलेटिव लॉस्ट विल टेक वन मोर एग्जांपल ओके सी

ओके okay. तो बेटा देखो ये आई एम मूविंग इन दिस डायरेक्शन ए इस डायरेक्शन मूव कर रहा है विद द स्पीड ऑफ ये कार मूव कर रही है फोर्टी किलोमीटर पर आवर ओके फोर्टी किलोमीटर पर आवर और बी जो है उसने इधर मूव करना शुरू किया विद द डायरेक्शन डायरेक्शन इधर है मैग्नीट्यूड तो थर्टी किलोमीटर पर आवर है लेकिन विलॉसिटी में तो डायरेक्शन भी लिखनी पड़ेगी तो डायरेक्शन क्या है नेगेटिव ओके okay? तो विलॉसिटी ऑफ ए है आपकी प्लस फोर्टी किलोमीटर पर आर और विलॉसिटी ऑफ बी आपकी माइनस थर्टी किलोमीटर पर आर चलिए अब मैंने आपसे पूछा रिलेटिव विलॉसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी किसकी रिलेटिव वेलोसिटी ए की Sir. और आप बैठे कहां हुए हैं बी कार में आप यहां बैठे हुए हैं और ए को वॉच कर रहे हैं यू आर वॉचिंग यस यस स्टूडेंट्स यू आर वॉचिंग एंड यू आर सिटिंग इन बी सी दिस लेक्चर विल आल्सो बी रिकॉर्डेड आई थिंक यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा तो वहां से भी आप देख सकते हैं कुछ छोटा थोड़ा बहुत कुछ पोर्शन छूट गया होगा बीच में तो ओके आफ्टर वन आवर बताओ मुझे क्या लोकेशन होंगी स्टूडेंट्स इन कार्स की आफ्टर वन आवर ओके okay. तो स्टूडेंट देर आर सम नेटवर्किंग इशू प्लीज बियर इट विद जितना समझ आ रहा देखो, एक बार ध्यान से, आराम से, है आफ्टर वन आवर में आपसे पूछ रहा हूं ये ए कहा पहुंच जाएगा यहां पर इस तरफ चला जाएगा प्लस फोर्टी किलोमीटर इन दिस डायरेक्शन और बी कहां चला जाएगा इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी इस तरफ होगी माइनस थर्टी किलोमीटर यस तो स्टूडेंट्स अगर आप डिस्प्लेसमेंट देखें Students, is the screen visible? No, sir. No, sir. No, sir. Is it visible now? स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट जो है वो बस दो तीन मिनट का ही है अब आप समझ गए हैं बात को कि इसमें आपका जो एक्स वन पोजिशन थी वो मूव कर रही है बस बात इतनी सी है तो स्टूडेंट्स ये ए कार मूव कर रही थी विद द विदोसिटी ऑफ 40 किलोमीटर पर आर तो प्लस 40 किलोमीटर पर आर और बी जो है नेगेटिव डायरेक्शन मूव कर रही है इसलिए ये इसकी डायरेक्शन है और ये मैग्नीट्यूड है तो स्टूडेंट्स वी ए बी में हम इंटरेस्टेड हैं विलासिटी ऑफ ए और बैठे हुए हैं बी में और इसको वॉच कर रहे हैं एक तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगी ऑब्वियसली हम वॉच किसको कर रहे हैं ए को और बैठे क्या हुए हैं यहां पर तो ये हमारी पोजिशन क्या हो जाएगी यहां हम बैठे हुए हैं तो ये एक्स वन पोजिशन है और जिसको वॉच कर रहे हैं वो क्या है एक्स टू तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी एक्स टू माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन टोटल टाइम कितना स्टूडेंट्स कितने एक घंटे के बाद तो ये एक घंटे बाद थर्टी किलोमीटर दे या है फोर्टी तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई स्टूडेंट्स हाँ प्लस फोर्टी माइनस माइनस थर्टी डिवाइडेड बाय वन आर सो डेट इज इक्वल्स टू प्लस सेवेंटी किलोमीटर पर आर एग्री है स्टूडेंट्स yes, yes. अब आप अब आप जो वेलोसिटी निकाल लेंगे वो जो वेलोसिटी आएगी वो आपकी आएगी रिलेटिव किसकी किसको वॉच कर रहे थे आप ए को कहा बैठकर किसके रिस्पेक्ट में बी के रिस्पेक्ट में तो वही डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया आपने डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी तो क्या ही रिलेटिव प्लस सेवेंटी ये सॉरी डिस्प्लेसमेंट है तो ये टाइम कहां से आ गया इसमें ये हमने सीधा विलॉसिटी निकाल दिया एक्चुअली पहले ही है ना? तो बात वही है ये पहले हम सिर्फ ये डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं और अब अब जो है डिस्प्लेसमेंट आ गई सेवेंटी किलोमीटर प्लस सेवनटी किलोमीटर जो डिस्प्लेसमेंट का साइन होता है आपको पता है सेम साइन वेलोसिटी का भी होगा तो बस यहां पे क्योंकि आपका जो बी था वो मूव कर रहा था इस बार जो कि आपका एक्स वन है ठीक है और ये एक्स टू होता है ये जो फाइनल पोजिशन है जिसको आप वॉच करें एक्ट दिस अपॉन वन आर तो प्लस सेवेंटी किलोमीटर पर आर तो स्टूडेंट्स चाहे आप डिस्प्लेसमेंट निकालकर निकालो या फिर अब आप डायरेक्ट फार्मूले से निकालो वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू वी ए कितना है प्लस फोर्टी माइनस वी बी कितना है माइनस थर्टी डेट इज इक्वल टू प्लस सेवनटी किलोमीटर पर आर तो लेकिन आप यह समझो कि बेसिक्स ये है इसके ये पता होने चाहिए उसके बाद आप इस फार्मूले को यूज करो तो जब ये फार्मूला इसको यूज कर रहे हैं आप तो आपको पता होना चाहिए कि कि का मतलब है कि मैं वॉच कर रहा हूं ए को यानी ए जो है वो यहां पर है और बी जो है वो यहां पर है और ए जो है वो बी सेवनटी किलोमीटर प्लस डायरेक्शन में डिस्प्लेस्ड है एक घंटे में यह है इसका मतलब इसकी इंटरप्रिटेशन आपको पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स बस इज दिस क्लियर टू एवरी वन स्टूडेंट क्लियर और कोई क्वेश्चन चलिए स्टूडेंट्स इसकी रिकॉर्डिंग भी पूरी लेक्चर की अवेलेबल रहेगी आई विल सेंड द लिंक ठीक है बहुत अच्छा लेक्चर था हमने तीनों तरह की वेलोसिटीज़ इसमें की एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी आई होप कि आपको आपका जो टारगेट था आज क्लास अटेंड करने का वो पूरा हो गया होगा सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स